यार अगर वीडियो अच्छी लगती है, कंडीशन है, पहली बात कंडीशन है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अदरवाइज चिल करो, कोई टेंशन नहीं है। अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। हेलो गाइस, दिस इज़ अब्दुल्ला, वेलकम टू हायर मिशन। आज की वीडियो में हम लोग, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैं एक पौधे से ना, छोटे से पौधे से, ये देखें ये जो पौधा लगा हुआ है यहाँ पे, ये छोटा सा यहाँ पे ये वाला, इसके ऊपर ना छोटी छोटी कीड़ियाँ और ये वो मक्खियाँ वगैरह चल रही हैं, तो मैं उनकी ना पिक्चर्स आपको कैप्चर करके दिखाऊंगा कि कैसे ना मैं उनकी पिक्चर कैप्चर करता हूँ या कर सकता हूँ। तो मैं वर्टिकल कैमरा यूज़ करने वाला हूँ, तो आप लोग देखें कैसे मैं वर्टिकल कैमरा यूज़ करता हूँ। उसके बाद एक वीडियो मैं प्ले कर रहा हूँ, उस वीडियो के अंदर से मैं पिक्चर कैप्चर करूँगा ताकि आपको वीडियो भी शो हो के कैसे मैं पिक्चर ले रहा हूँ। तो आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो देखें फिर, मतलब आप सिंपल तरीका है, इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, उसको पिक्चर को कैप्चर करके उसके बाद मैं उसको थोड़ा सा एडिट करके फिर आपको शो करवाऊंगा। एडिट करना भी ज़रूरी है क्योंकि वो पिक्चर की लाइटिंग थोड़ा बहुत रहता है, उसको इस तरह नॉर्मल पिक्चर एक्सप्रेस नहीं कर पाती, उसको थोड़ा सा एडिट करना ज़रूरी होता है। तो मैं पिक्चर क्लिक करके फिर एडिट करके फिर आपको शो करवाता हूँ, तो देखिए वीडियो पूरी। तो यार बेसिकली ना आपने पास जाना बिल्कुल ऑब्जेक्ट के, ना कोई भी ऑब्जेक्ट है, जिस तरह आपको ये छोटा सा ब्लैक सा कीड़ा छोटा सा नज़र आ रहा है, इसकी मैं इतने इस चीज़ से नहीं ले पाया पिक्चर क्योंकि ये ज़्यादा ही छोटा था, लेकिन जहाँ तक आपका मोबाइल फोकस कर सकता है वहाँ तक आपने पास जाना है। आपने बिल्कुल ऑब्जेक्ट के बिल्कुल जितना पास जा सकते हैं जाना है, और कोशिश करनी है कि स्लो जाएँ और खुद आगे ना जाएँ, अपना हाथ आगे लेके जाएँ। उससे क्या होगा कि अगर मक्खी वगैरह कोई इस तरह का उड़ने वाली चीज़ है तो वो जल्दी उड़ेगी नहीं, वरना उसने जल्दी से भाग जाना है। तो उसका बेहतरीन हल यह है कि आप अपना हाथ से ज़्यादा आगे लेके जाएं, जिस तरह स्टैंड एक होता है, स्टिक होती है, सेल्फी स्टिक, उस तरह अपना हाथ को ना ट्रीट करो, तो उस तरह लेके जाओ पास स्टैंड अपना हाथ, तो अपना फेस वगैरह थोड़ी पीछे रखने की कोशिश करो। तो ये कोई भी आपको जिस तरह मक्खी बैठी हुई थी, इसकी इतनी अच्छे से नहीं आ रही थी क्योंकि लाइट का भी आपने देखना, क्योंकि सूरज इस टाइम उस साइड पर था तो इधर ब्लैक फोटो आएगी, तो आपने ये भी चीज़ें देखनी है कि कैसे ना वो चीज़ आएगी। यहाँ पे मैं दूसरी साइड पे जाऊँगा ना, जहाँ पे ये दूसरी साइड पे, यहाँ पे देखें इस साइड पे ना, ये देखें इस साइड पे ना एक बैठी हुई है मक्खी छोटी सी, तो मैं आपको दिखाता हूँ उसकी, काफ़ी ना अच्छे से मैं पिक्चर ली है, वो आराम से बैठी हुई थी, उसने कोई ना कोई वो लोकेशन चेंज कर रही थी। ये देखें ये वाली, इसकी मैं देखता हूँ एक, ये देखें ये पिक्चर, ये आपको आगे मैं फ़ोटोशूट में शो करवाता हूँ, आप देखें उसमें कैसी आई है फ़ोटो इसकी। और इसके बाद इधर एक ये शिफ्ट करने लगी है, इधर ये ऊपर है जा रही, तो आपने खींचते जाना है, फोकस करना है, क्लिक करना है ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसके आपने पिक्चर लेना, जिस तरह मैं मक्खी की ले रहा हूँ, इसके ऊपर क्लिक करना है। ये देखें अब नीचे आ गई है, वो मूव कर रही है स्लोली स्लोली आपके सामने, वो मूव कर रही है लेकिन मैं पिक्चर ले रहा हूँ। आपने इस तरह लेना है कि वो उसको रोना भी नहीं है, आराम से उसके पास जाके वो देखें अभी भी मूव कर रही है वो, उसका मैंने कैमरा रखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। जो ही मक्खी के ऊपर फोकस होता है ना, मैं एक पिक्चर कैप्चर कर रहा हूँ, फिर जो ही फोकस होता है फिर मैं कर रहा हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा लोकेशन थोड़ी सी चेंज करके फोकस करूँ, और फिर इन सब को बाद में ना मैं एडिट करके आपको ना दिखाता हूँ कि कैसी पिक्चर्स आई हैं। तो ये देखें फिर से, तो आप देखें पूरी वीडियो, आपको सारी समझ आ जाएगी कैसे मैं पिक्चर ले रहा हूँ। तो यार इस तरह वीडियो थोड़ी सी फ़ोटो शूट करता हूँ, आपको शायद थोड़ी बहुत समझ आ गई हो, वर्टिकल कैमरा करके करता हूँ। ये यही वो पौधा है, ये देखें आपके सामने है ये वाला, तो इसमें छोटी सी चीज़ों की मैंने की है। तो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो, तो इसी तरह मैं सारा शूट करता हूँ। स्मॉल चीज़ हो जाए ना तो आपको ज़्यादा ना थोड़ा टाइम लगेगा, पास जाके आराम से वीडियो प्ले कर लें ताकि आपको जब मूवमेंट अच्छा लगे आप कैप्चर कर लें, वरना आप पिक्चर के चक्करों में रहेंगे तो वो ज़्यादा एक अच्छा फ्रेम नहीं एक तो आता, दूसरा वो फोकस ज़रा लेट से करता है, तो वीडियो जल्दी फोकस कर लेती है, इसलिए मैं वीडियो को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ।